क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 9 से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए लेदर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइटली डिस्टेंस क्यू डाउन द वॉल एंड देन लेदर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल देन सो दैट पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि एक लेदर है मतलब लकड़ी की सीढ़ी जो होती है वो दीवार के सारे इन्होंने खड़ी कर रखी है, किस एंगल से, अल्फा डिग्री से। अब पहले इसको हम लोग बुला लेते हैं जितना पढ़ा है। सपोज करो इस तरीके से हमारे पास स्टार्टिंग फिक्स पोजिशन थी जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, अल्फा, ठीक है जी। अब वो इसे बोल रहा है कि अगर वो इसके फुट को इस तरीके से यहाँ पे खींचता है तो सीढ़ी आपकी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसने बोला है कि इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी, अगर वो उसको पी डिस्टेंस दूर पुल करता है तो जो उसका जो डिस्टेंस क्यू डाउन हो जाता है वॉल से हमारे पास जो डिस्टेंस होता है क्यू डाउन हो जाता है और जो एंगल है वो कितना बना लेता है, बीटा, ठीक है। अब इसने रेशो प्रूफ करवाया कि पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास लकड़ी की सीढ़ी है, लैडर है, इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी तो इसको हम लोग कुछ भी जैसे कि क्या लेट करें, इसको तो एक्स मान लेते हैं हम लोग इस डिस्टेंस को, या इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको हम लोग आर लेट कर लेते हैं। चलो ये तो ये भी हमारे पास आर हो गया, ठीक है जी। अब ये ए बी सी डी और ये ई, ये हमने इसको नेम दे दिया। तो आपके पास देखो दो ट्राइंगल है, एक तो ए बी सी और ए बी डी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको देखो प्रूफ क्या करना है, कॉस और साइन, तो प्रूफ को भी देखते हुए हम लोग सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले निकाला इन राइट ट्राइंगल ई बी सी में, ई बी सी में देखो अगर हम लोग साइन निकालते तो साइन आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आएगा वाई प्लस का क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉस निकालते हैं तो कॉस क्या आएगा, बी सी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब बी सी अपॉन में ई सी, तो यहाँ पे एक्स अपॉन में आर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है जी। इसी तरीके से इन राइट ट्राइंगल किस में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब वाई अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन बीटा, और इसी में ही आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब बी डी अपॉन में ए डी, मतलब एक्स प्लस का पी अपॉन में आर इज इक्वल टू कॉस बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो इस साइन अल्फा में क्या है, वाई प्लस का क्यू अपॉन में आर, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन में आर प्लस का क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स अपॉन में आर प्लस का पी अपॉन में आर इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है जी। अब वाई अपॉन में आर की वैल्यू क्या है हमारी, साइन बीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन बीटा प्लस का क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू आ गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका एक्स अपॉन में आर की जगह पे हम लोग कॉस अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा प्लस का पी अपॉन में आर इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो पी अपॉन में आर इज इक्वल टू आ गया कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। आपको रेशो में पूछा था पी अपॉन में क्यू, तो इनको डिवाइड कर दो, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आ गया आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में आर साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा। अब आर से आर कैंसिल आउट कर दो तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, जो प्रूफ करना था हमें।